ओके तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करने का तरीका थोड़ा जो है बदल गया है। पहले थोड़ा आसान होता था, लेकिन अभी थोड़ा तरीका नया आ गया है और इसलिए बहुत से लोगों को अकाउंट डिलीट करने में प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को पूरी तरह से परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इंस्टाग्राम ओपन कर लीजिए। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल पिक्चर है आपका, उसके ऊपर आप क्लिक कर लेना। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो इसका जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो थ्री लाइन है यहाँ पर, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन पर। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर जो है हेल्प का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर जाना है हेल्प सेंटर, तीसरा नंबर जो ऑप्शन है इसके ऊपर। यहाँ पर आने के बाद अभी आपको यहाँ से थोड़ा सा तरीका अलग है, तो ध्यान से वीडियो को देखना। तो अभी आपको यहाँ पर जो तीन लाइन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज योर अकाउंट का, तो आप इस पर क्लिक कर लेना। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट योर अकाउंट का, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। तो इसके बाद अभी आपको यहाँ पर डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलने वाला। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है टेम्पररी डीएक्टिवेट योर अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा तरीका ध्यान से देख लेना बिना स्किप के। इसके बाद अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा instagram.com फ्रॉम मोबाइल ब्राउजर, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो इसके बाद अभी आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे में आना है। नीचे में आने के बाद आपको यहाँ पर जो नोट लिखा है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो इसके बाद अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो एंड्रॉयड हेल्प ऐप हेल्प लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है मोबाइल ब्राउजर हेल्प, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद अभी आपको यहाँ पर फिर से स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर जो है instagram.com फ्रॉम मोबाइल ब्राउजर, ये जो है इसको ऊपर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट योर अकाउंट का, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट डिलीट करने का। तो यहाँ पर आपको जो है कोई भी एक रीज़न सिलेक्ट कर लीजिए क्यों आप डिलीट कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक रीज़न सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप भी जो भी रीज़न है आपका डिलीट करने का आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर लेते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट योर अकाउंट और यहाँ पर आपका यूजर नेम मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल से जब आप डिलीट पर क्लिक करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर लेना है। आप मतलब श्योर हो डिलीट करने के लिए, तो ये कन्फर्म कर रहा है, तो आप यहाँ पर सिंपल ओके कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ देर वेट कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको जो अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाएगा अपने आप और यहाँ पर आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है अकाउंट इसने लॉग आउट कर दिया अपने आप और कुछ ही दिन में ये जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो बहुत ही आसानी से इस स्टेप को फॉलो करके। तो बस इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।